हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को धन जन योजना के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जब से लॉकडाउन पड़ गई है तब से प्रधानमंत्री ने एक नया स्कीम जारी किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन जन योजना, जिसके तहत हर महिलाओं को 3 महीने तक 500 रुपये का एक अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं। और इसमें एक शर्त रखी गई थी, अगर आपके बैंक अकाउंट 31 मार्च 2014 के बाद और 2020 31 मार्च तक के बीच में अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन किए थे तो ही आपको धन जन योजना की अमाउंट प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत रह गई थी कि उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं जहाँ उन्होंने बताया है कि अगर आपके पुराने अकाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको धन जन योजना की जो अमाउंट है वो आपको प्राप्त होगी और आप भी धन जन योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिर्फ आपका जिस बैंक से भी आपका अकाउंट है उस बैंक से 1 रुपये कार्ड आपको लाभ करना होगा, तभी आपकी धन जन आपकी जो अकाउंट है वो अकाउंट एक धन जन योजना के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपको वो अमाउंट प्राप्त होंगे। तो कुछ बैंकों ने ये भी कहा है कि अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए उन लोगों को बहुत जटिलता के सामना करना पड़ा है, तो बैंक ने कहा है कि आप लोग नए बैंक नई खाता ओपन कर लीजिए तभी आपके धन जन योजना लाभ हो पाएंगे। तो गाइस, आप लोग भी नया बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए तभी आप लोगों को धन जन योजना के जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और हाँ, ये अमाउंट सिर्फ महिलाओं के लिए ही दिए गए थे, तो सिर्फ महिलाओं को ही इस अमाउंट का लाभ उठा पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।